और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्यन खान ड्रग्स केस के दौरान चर्चा में आए प्रभाकर सैल की मौत हो गई है। प्रभाकर की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। क्रूज ड्रग्स केस में प्रभाकर एक महत्वपूर्ण गवाह था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर प्रभाकर साहिल को हार्ट अटैक पड़ने से मौत हुई। इसके बाद उसे नजदीक के भगवती अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद के पी गोसावी चर्चा में आया था। प्रभाकर सैल इसी गोसावी का बॉडीगार्ड था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि प्रभाकर की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई। दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें नजदीक के भगवती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद पी गोसावी केस में चर्चा में आया था प्रभाकर का नाम। इसी गोसावी का बॉडीगार्ड था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक महत्वपूर्ण गवाह था प्रभाकर, जिसकी मौत हो गई है। क्रूज ड्रग्स केस के महत्वपूर्ण गवाह प्रभाकर सैल की मौत हो गई है। और सूरज हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। सूरज, और क्या जानकारी है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए, प्रभाकर सैल एक काफी इंपॉर्टेंट शख्स था, क्योंकि जो जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, जैसे कि हम एनसीबी की विजिलेंस टीम की बात करें, एनसीबी की एसआईटी की बात करें, या फिर मुंबई पुलिस की एसईटी की बात करें, हर किसी के लिए प्रभाकर सैल इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जो करप्शन के आरोप लगे थे प्रभाकर सैल ने लगाए थे, उसका कहना था कि केपी गोसावी नाम का जो विटनेस है, उसने आर्यन खान को मदद करने के लिए पूजा ददलानी से पैसे लिए थे, और ये पैसे उसने कथित तौर पर एनसीबी को पहुंचाए थे। समीर वानखेड़े पर भी आरोप लगे थे उस वक्त, जो मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हुआ करते थे। इसके बाद से ही प्रभाकर सैल काफी इंपॉर्टेंट थे हर एजेंसीज के लिए। ऐसे में प्रभाकर सैल की अचानक से मौत हो गई, जो प्राथमिक कारण बताया जा रहा है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है। लेकिन अब भी जो पुलिस है, मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों से जब हमने बातचीत की, तो उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। हर एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी है, डॉक्टर से पूछताछ करेगी, बात करेंगे, उसकी मेडिकल रिपोर्ट को देखी जाएगी, और अगर भविष्य में, मतलब अगर उसके परिवार का कोई भी सदस्य इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाता है, तो जाहिर सी बात है प्रभाकर सैल का पीएम भी किया जाएगा, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, फाउल प्ले तो नहीं है, या फिर ये एक नेचुरल। बिल्कुल, जिस तरीके से खुलासे प्रभाकर ने किए थे, तो उसके बाद से इस पूरे केस में कई तरह के टर्न और ट्विस्ट देखने को मिले थे। अब किस तरह से पूरी ये जांच की दिशा बदल सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, उसने जो भी बताया था वो एफिडेविट के माध्यम से बताया था, एफिडेविट पे चीजें रखी थी। एसीटी, जो मुंबई पुलिस की एसीटी है, वो जांच कर रही थी, प्रभाकर सैल का बयान दर्ज किया था। इसके अलावा एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है, जो समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर लगे करप्शन के आरोपों की जांच कर रही है, उन्होंने भी प्रभाकर सैल का बयान दर्ज किया था। तो प्रभाकर सैल काफी महत्वपूर्ण थे। अगर कल को सारे जो आरोप लगे हैं, अगर मान लीजिए कि वो प्रूव हो जाते हैं, तो ऐसे में उसे कोर्ट भी बुलाया जाता है प्रभाकर सैल को, जहां पर उसका 164 के तहत बयान दर्ज किया जाता। लेकिन अब प्रभाकर सैल नहीं रहे, इस वजह से कई सारी चीजों को लेकर जो एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, उन्हें बहुत ही बड़ा धक्का पहुंचा है इस मामले को जांच करने के लिए, क्योंकि प्रभाकर सैल का बयान हर जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण था हर एजेंसी के लिए। सूरज, अब तक प्रभाकर के परिवार वालों से क्या बातचीत पुलिस की हो पाई? क्योंकि कल दोपहर को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी मौत हो गई अस्पताल में, तो अब तक पुलिस की जांच इस पूरे मामले को लेकर कहां तक पहुंची है? क्या बात परिवार वालों से हो पाई है? जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस के लोगों से हमारी बातचीत हुई। मुंबई पुलिस का ऐसा ही कहना है कि वो अभी इस समय कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कल तक उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। जो भी जानकारी उन्हें मिली है, आज सुबह मिली है, तो जो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, देखिए इसमें दो चीजें हैं, प्रभाकर सैल कहीं और रहते थे, उनकी माँ कहीं और रहती थी, तो दो अलग अलग घर हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों में, तो अलग अलग इलाकों की पुलिस अब लगी पड़ी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसे इस बात की जांच करनी चाहिए। साथ ही परिवार वालों से भी बात करेगी मुंबई पुलिस, जो मुंबई पुलिस ने बताया है, और ये जानने की कोशिश करेगी कि कहीं उनको किसी तरह का शक तो नहीं है। डॉक्टरों से बात की जाएगी कि डॉक्टरों की जो इनिशियल फाइंडिंग है वो क्या फाइंडिंग है,
तो मुंबई पुलिस ने फिलहाल तो जो इस मामले में वो क्या कर सकते हैं इसका इसे इनिशिएट किया है। जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में, डॉक्टरों के संपर्क में, परिवार के संपर्क। सूरज बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट इस पूरे मामले में लेते रहेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह था प्रभाकर इस पूरे मामले में। और अब प्रभाकर की मृत्यु के बाद इस पूरे केस की जो जांच चल रही है उसकी दिशा में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।